कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी तैयारी होई छि स्मार्ट कोविड सेफ्टी क्यूएस्क मशीन। एहि मशीन शरीर रो तापमात्रा मापिबा सहित मास्क पिंधिबा को निर्देश देउ छि। एहा ऑफिस किंबा मॉल को आसुथिबा लोकमानंकर संपूर्ण तथ्य रखिबा सहित कोरोना को नै मध्य समस्तंकु सचेतनार वार्ता देउ छि। एपरी एक स्मार्ट मशीन को भुवनेश्वर लायन्स मिलर डायरेक्टर संजीव राउत एवं तंको सहयोगी मिलित भावे तयारी करिछन्ति। तेबे वर्तमान समय रे कोरोना को नै कोनोसी मेडिसिन आसिनथिबा बेले एही मशीन कोरोना को प्रतिहत करिबार केतेकांश रे सहायता करि परियो बोली एहार निर्माता संजीव राउत प्रकाश करिछन्ति। एथिरे एक्चुअली माने बहुत मेन पावर आप जेमति आपण जाउछन्ति गोटे काउंटर को गोटे मॉल को गोटे सिक्युरिटी सबले जांच को माने आपणकर जो टेम्परेचर चेक करुच्ची सानिटाइजर दौर मेन पावर बहुत यूज हो कंट्राक्टर भी आसुच्ची तो आम यू टोटाल गोटे कंट्राक्टलेस मानने कोविड क्योस गोटे तैयारी कर बहुत हेल्पफुल आपति जेकोसी जगह को भी जातु आपको रखिदेवे टोटल कंट्राक्टलेस आपको यहाँ कम दब यू आम एक्चुअली फास्ट टाइम ये लूम क्राफ्ट आउटडोर लग्जरी फर्णिचर भुवनेश्वर ये फास्ट टाइम यहाँ को इनस्टल कर एबे बहुत इनक्वायरी भी आसिलानी एबे हम पई हमें धीरे धीरे एटा को सारा ओडिसा रे स्प्रेड करिया को हमें चाहू। एही स्मार्ट मशीन टी अन्य सैनिटाइजेशन मशीन टू स्वतंत्र होइथिबा बेले एहा संपूर्ण भाबे स्वयंचालित। एहा ऑफिस किंबा मॉल को आसुथिबा लोकमाननको तापमात्रा मापिबा सहित लोकमाननको मास्क पिंधिबा को परामर्श देउथिबा देखिबा को मिलिछि। एथिरे हैंड सैनिटाइजर वीडियो रेकॉर्डिंग फेस स्कैनिंग सहित आर्ट डिस्प्ले रो सुविधा मध्य उपलब्ध रहिछि। एही मशीन को तयारी करिबारे संजीव एवं तंको सहयोगी मानको पाखापाखी दुई मास समय लागिथिबा बेले 60,000 टंका खर्च होइथिबा जणा पडछि। नै त बहुत भल जिंस कइना अन्य कोठि भी जेबे आपण जहा भी हेले आपण पॉइंट कांटेक्ट टच करिवे करबे त विदाउट कांटेक्ट ये त अछि जोटा कि कस्टमर पई बेनिफिट हबो आ तापर यदि केते जण कस्टमर आसीले केते जण सैनिटाइजेशन हेले त डिटेल रेकॉर्ड भी रहि परिबो। तेबे राजधानी रो एक प्रतिष्ठित व्यवसाय केन्द्र रे एही स्मार्ट मशीन को फिस किंबा मॉल को आसुथिबा लोकमाननको तापमात्रा मापिबा सहित लोकमाननको मास्क पिंधिबाकु परामर्श देउथिबा देखिबाकु मिलिछि। एथिरे हैंड सैनिटाइजर रो कैमरा पर्सन गौतम महांती को सह चिन्मय साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।